नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। दिखाएंगे आपको फटाफट खबरें सुपर फास्ट में, उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भरतपुर के अंकिता ठाकुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, पुलिस ने हत्या के आरोपी को दबोच लिया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। आरोपी के साथी और भाई और पिता को भी पकड़ा गया है। एक तरफा इश्क में गोली मारकर अंकिता की हत्या कर दी गई थी, मुखर्जी नगर में घर में घुसकर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर अंकिता ठाकुर हत्याकांड में भरतपुर में, जहां पर पुलिस ने हत्या के आरोपी को अब दबोच लिया है, आरोपी के साथी भाई और साथी पिता को भी पकड़ा है। एक तरफा प्यार में गोली मारकर अंकिता की हत्या कर दी गई थी, मुखर्जी नगर में घर में घुसकर अंकिता को गोली मारी गई थी। देवेंद्र जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, किस तरीके से पूरी गिरफ्तारी हुई? देखिए, पूरे मामले में, इस मामले को लेकर लोगों में खासा आक्रोश था, और जो मृतक छात्रा थी वो बीएससी की छात्रा थी। इसको लेकर जो आरडीएस कॉलेज की छात्राएं, उन्होंने एक कैंडल मार्च निकाला था और लगातार आरोप लगाए थे कि पुलिस की नेग्लिजेंसी की वजह से छात्राएं सेफ नहीं है और इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसको लेकर आम पब्लिक में भी खासा रोष था, और लगातार जो भरतपुर के विधायक और प्रभारी मंत्री हैं सुभाष गर्ग, वो भी पुलिस को निर्देश दिए थे कि तो आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हो। प्रभारी मंत्री ने भी निर्देश दिए थे कि आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हो। उसके बाद एक टीम बनाई गई, और जो एसएचओ कोतवाली है रामकिशन यादव, उनके एक टीम ने यूपी के कई जिलों में दबिश दी और फरीदाबाद से इस आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके भाई को भी पकड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जी मीडिया संवाददाता यहां पर जानकारी देते हुए देवेंद्र, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अंकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और इस पूरे मामले में लगातार पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश है वो की जा रही थी, आरोपी को पकड़ने की कवायद जो है वो लगातार जारी थी। आरोपी के साथ साथ भाई, उसके साथी और साथी पिता को भी यहां पर पकड़ा गया है।